यहाँ पर टॉस चल रहा है वाइल्ड मस्टैंग और डक स्टार के बीच। किसने जीता टॉस? और वाइल्ड मस्टैंग ने टॉस जीत के क्या फैसला किया? और यहाँ पर नोएडा की बात करें तो 2022 की टॉप की दोनों टीमें डक स्टार्स और वाइल्ड मस्टैंग के बीच ये मुकाबला, और टॉस जीत के वाइल्ड मस्टैंग पहले बल्लेबाजी करेगी। आपने भी सोचा था टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, लेकिन टॉस हार गए। यहाँ पे कार में स्ट्रैटेजी बन रही थी कि पहले हम बैटिंग करेंगे तो मैच आधा घंटा पहले ख़त्म हो सकता है, इसलिए ये किया गया। चलिए तो यहाँ पर अब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी वाइल्ड मस्टैंग। पिच की आपको अगर कंडीशन बताएं तो आज काफ़ी बढ़िया रोलिंग हुई है इस पिच पर, पूरी स्पाटा पिच दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो आउटफील्ड भी काफ़ी अच्छा हो गया इस ग्राउंड का, एक्सीलेंस क्रिकेट ग्राउंड का। आपको लग रहा होगा काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया, सिर्फ 3 वीडियोस के बाद वीडियोस रुक गए। दरअसल मेरी सेहत ठीक नहीं थी, बीमार हो गया था, काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था, कुछ दिन तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा था, इंजेक्शन जो है लगे काफ़ी, और उसके बाद अब 10-12 दिन के बाद लगभग, हाँ 2 हफ्ते के बाद वापसी कर रहा हूँ ग्राउंड पे। तो धीरे धीरे ही अभी आऊँगा ग्राउंड पे, हफ्ते में 1-2 मैचेस से स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे रिज्यूम किया जाएगा गेम, क्योंकि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो एकदम से तो नहीं खेल पाऊँगा अभी, बट लेट्स ट्राई। वाइल्ड मस्टैंग की तरफ से ओपनर आए हैं राशिद और निकी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, गेंदबाजी डालेंगे सागर। राइट हैंड और विकेट, बेहतरीन शॉट सीधे सीमा रेखा के पार जाता हुआ, कवर की दिशा में बाउंड्री निकलती हुई राशिद के बल्ले से बॉल। लास्ट एक और बेहतरीन शॉट यहां पर कवर्स की दिशा में, और 2 बाउंड्रीज के साथ पहले ओवर में 8 रन आते हुए ग्राउंड पर एक्स्ट्रा दर्शक। वाइट इसी के साथ कैच ड्रॉप, एक बड़ा जीवनदान मिलता हुआ निकी को पहली गेंद पर। आ गया। बॉल्स टू गो, एक सेकंड कंफर्म कर देता हूँ कितनी। बोल्ड कर दिया यहाँ पे, लेकिन फ्री हिट थी इसीलिए जो है ये बोल्ड नहीं माना जाएगा। ओवर ओवर, वाइट
Balls. बेहतरीन शॉट शिवम की तरफ से गेंद जाती सीमा रेखा के पार चार रन के लिए चार तो नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं है ओवर बोल्ड हो गए यहाँ पर टांगों के नीचे से निकल गई गेंद और बोल्ड और इसी के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खत्म गौरव आते हुए पुराने खिलाड़ी हैं वाइल्ड मस्टैंग के तीन शॉट शिवम की तरफ से काफी लेट पता चला अंकित को जो कि खुद इस ग्राउंड के ओनर वाइड है करण भाई कट यहां पर किया शिवम ने गेंद जाते हुए थर्ड मैन की तरफ सीमा रेखा के पार चार रन के हवा में गेंद है और यहां पर कैच ले लिया इसी के साथ तीसरा विकेट गिरता हुआ आखिरकार सफलता ले ली सचिन ने अपने ओवर में और अब आए हैं खुद डकस्टार्स के कप्तान तुषार राइट आर्म ऑफ द विकेट अब आप देखिए अब इनका कॉम्बिनेशन खेलेगा वाइल्ड मस्टैंग की तरफ से और अब ओवर रेट काफी तेज हो जाएगा एक डेढ़ डेढ़ मिनट के अंदर ओवर आपको दिखेगा चलता हुआ और इसी के साथ आते ही विकेट यहां पर झटका डकस्टार्स के कप्तान तुषार ने और शिवा शिवम का जो एक कॉम्बिनेशन था उसको तोड़ दिया है लेकिन एक और एस नाम के खिलाड़ी आते हुए सौरभ नए जूतों के साथ न्यू शूज आते ही पहली बॉल पे बड़ा हिट लगाना चाहते थे और यहां पर देखिए हाँ लगा ले तू लंबे oh,
साथी के साथ। देखिए पता भी नहीं लगा कब विकेट गिरा, और देखिए 20 सेकंड के अंदर चार बॉल हो चुकी हैं, एक विकेट जा चुका है। मैंने कहा था तुषार भाई के आते ही ओवर रेट जो इतना स्लो चल रहा है वो तेजी पकड़ेगा, और एक और बड़ा विकेट यहां पर झटकते हुए सौरभ के रूप में। इसी के साथ एक और विकेट, तो दूसरे ओवर में ही तीसरा विकेट ले लिया यहां पर स्टार्स के कप्तान तुषार ने, और महत्वपूर्ण विकेट गिरते हुए टीम वाइल्ड मस्टैंग की। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति। अरे यार, इसी के साथ रन आउट बड़ा विकेट। सेंसिबल पारी दिखाते हुए वाइल्ड मस्टैंग के कप्तान करण। चार हो गए नहीं, बाक्स करके 3 रन चुरा लिए यहाँ। सेंसिबल बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए जानते हैं कि तुषार को बड़े शॉट लगाने जाएंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हुए। इसी के साथ एक और विकेट, चौथा विकेट यहां पर मिलता हुआ तुषार भाई को तीसरे ही ओवर में, और साथ ही 8 विकेट। बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी 8 ओवर पड़े हैं आराम। टीम बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाते हुए, पता है जिस तरह से टीम की 8 विकेट जा चुके हैं, उसके बाद सिंगल डबल मात्र चॉइस बची है, और एडिट करके डालेंगे जो अच्छी शॉट्स हैं, अच्छे विकेट हैं, मतलब क्या ऑल आउट या क्या 12वां खेलेगा क्या। रहने दे बीमार की नो है, बीमार की कमर के ऊपर थी। नहीं अंपायर लगाया, रेट है जाता, उठाना ही नहीं था इस टाइम पे, ये टाइम ही नहीं, मतलब टाइम क्या उठाना ही नहीं था 20 ओवर तक की हमें।
अच्छा चला रहे हो तुम, हमने तीन मार दिया। वाइट बॉल, भैया यहाँ आ जाओ, और ये ओवंस ने बॉल उठा दी, देखने वाली बात हुई कैच होता है क्या, और ये आउट। ओ शानदार बॉल सौरव द्वारा, ये अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, ये बैड कीपिंग। ओ ये कट की कोशिश की, ओ ये शानदार फील्डिंग, ये हर फन होला प्रदर्शन फील्डर द्वारा। ओहो ये पंच किया है शानदार तरीके से, एक ओहो ये उठा दिया है गेंद को, और ये शानदार छह रन, छक्का है, छक्का छक्का है भैया, शानदार छह रन, हवाई साइड गया ना, अरे भैया हवाई साइड गया हुआ। ओहो शानदार तरीके से पंच किया है ये एक रन के लिए। ओहो ये अच्छे से सिंगल लेते हुए बल्लेबाज। ओहो ये चौके की कोशिश, अच्छे तरीके से पंच किया है बॉल को। ओहो ये उठाने की कोशिश, बोला ही नहीं बल्ले। ओहो उठा दिया है चार रन के लिए गैप में चौका। ओहो शानदार कट, गजब फील्डिंग। ओहो शॉट उठा दिया है गैप में, कोई फील्डर नहीं, और अरुण जोशी, ओ माय गॉड क्या फील्डिंग। और ये उठाया है शॉट, और ये क्या छूटता हुआ फील्डर द्वारा, एक रन। और ये क्या शॉट उठाया टाइमिंग के साथ, लंबा ऊंचा दूरी पूरी बराबर छह रन के लिए, मैच समाप्त। ओके धन्यवाद, अगले मैच में मिलते हैं विद न्यू कमेंटेटर। जो था वाइल्ड मस्टैंग और डक स्टार्स के बीच, इसको डक स्टार्स ने वन साइडेड जीत लिया है और 8 विन की स्ट्रीक टूटी है टीम वाइल्ड मस्टैंग की। कप्तान से बात करेंगे, लगातार 8 जीत के बाद आज डकस्टार ने इस विन स्ट्रीक को तोड़ा है वाइल्ड मस्टैंग की, क्या कहना चाहेंगे? ये मैच हम लोगों ने रखा इसलिए ताकि वी शुड नो वेयर वी स्टैंड, और ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बहुत ज़रूरी है कि हमें कई लोग कई टीमें डकस्टार से मैच लगाती नहीं है, एटलीस्ट हम लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया। Yes. और यहाँ पे डक स्टार्स के कप्तान तुषार क्या कहेंगे इस जीत के बाद वन साइडेड? कहना तो है नहीं, बस वी हैव टू विन, दैट्स द बॉटम लाइन। करण भाई गाली खा रहे हैं क्योंकि ये टॉस हारे थे, टॉस अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, जो यूजली होता नहीं है, पर करण भाई को मैंने बोला था कि आप प्लीज आप मेरे को बैटिंग दे दीजिए, सोले वाला टॉस कहां है, सोले वाला, बट इन्होंने बैटिंग दिया नहीं। उस टाइम टारगेट 200 रन का था, बट अनफॉर्चुनेटली 75 पे टीम ऑल आउट हो गई, तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है करण भाई के लिए, उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना चाहिए। देखा पिछले कितने मैचों में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं करण भाई, आप एक प्रॉपर बैट्समैन है, आपकी टेक्निक अच्छी है और आप मनूवरिंग करके खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करके खेलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राशिद भाई आपको ओपनिंग आना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई राशिद भाई को उन्होंने ओपनिंग भेज दिया, तो आई थिंक टैक्टिक्स वाइज करण भाई फेल हो गए, अगर करण भाई खुद ओपन आते तो आई थिंक स्कोर कार्ड 175 प्लस होता और मैच कम्पिटिटिव होता। चलिए यहाँ पर जो है वन साइडेड मैच जीत के डक स्टार्स ने
जो है वाइल्ड मस्टैंग की इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा है। और ये अंकित जी जिनका ये खुद का ग्राउंड है, इस ग्राउंड को अच्छे से मेंटेन करते हैं। आज देखिए कितनी जबरदस्त पिच मिली थी, ग्राउंड तो देखिए।